आज रोशामेल असेंबली सेगमेंट के बीआरएस पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ जमा होकर हम कुछ गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है जनता तक अभी आने वाले दिनों में आने वाले वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द रोशामेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1100 से ज़्यादा दलित बंधु स्कीम्स का जो काम चल रहा है 1100 बेनिफिशियरीज को 1100 बेनिफिशियरीज को उसका फायदा मिलने वाला है। बीसी कॉर्पोरेशन का जो भी एप्लीकेंट्स दियो से है उन सभी को वेरिफिकेशन कर जल्द ही पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी बेनिफिशियरी है एलिजिबल लोग हैं उन सभी को हम दिलाने जा रहे हैं। उसी तरह माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का जो लोन्स है हमने पिछले हफ्ते हमारे हैदराबाद के मिनिस्टर श्रीनिवास यादव जी से मुलाकात की और मैक्सिमम रोशामेल असेंबली सेगमेंट में जितने भी माइनॉरिटीज़ है उन सभी को जो एप्लीकेशन दिए लोन दिलाने के लिए हम सीरियसली वर्कआउट कर रहे हैं और मैक्सिमम हर आदमी तक 1,00,000 रुपये पहुँचने का हमारा उद्देश्य है और वो पूरा होगा। उसी तरह गृहलक्ष्मी जो नई स्कीम लॉन्च हुई है 15 अगस्त के बाद में आफ्टर 15 अगस्त इसका भी काम शुरू हो रहा है। जिसके पास भी अपना खुद का मकान है गवर्नमेंट से जिसको पट्टे मिले या जियो 58-59 में जो अप्लाई कर जिसको भी रेगुलराइजेशन हुआ जो भी पोजीशन में है उन सभी को 3,00,000 रुपये गवर्नमेंट देने जा रही है अपना घर बनाने के लिए। उसके लिए फॉर्मेलिटीज जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधार कार्ड वोटर आईडी और 2 फोटो ये हमारे ऑफिस में भी जमा करा दिए। 15 अगस्त के बाद में जैसे ही लॉन्चिंग शुरू होगा हम रोशामेल विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं इसका लाभ ले। एप्लीकेशन 15 तारीख के बाद में हमारे ऑफिस में आकर आप जमा करा सकते हैं ले जा सकते हैं फॉर्म्स ऑनलाइन में भी फॉर्म मिलेगा। हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतना दरिया दिल इतना दिलेर अगर है तो आप ही प्रेस वाले भाई बता दीजिए गरीबों के लिए कौन सी स्कीम है जो हमारे स्टेट में नहीं ला रहे। हर स्कीम का फायदा जनता तक पहुंच रहा है कुछ ना कुछ स्कीम द्वारा केसीआर की गवर्नमेंट जनता तक ये ला रही है। इलेक्शन का स्टंट नहीं है कंटिन्यू 10 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। मैं रोशामेल विधानसभा क्षेत्र की सभी निवासियों से विनती करता हूँ इसका लाभ ले और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हर गली में हर बस्ती में काम कर रहे हैं सीनियर लीडर्स है उद्यमम लीडर्स है एक्स कॉर्पोरेटर्स है एक्स एमएलए है माजी चेयरमैन्स है डिवीजन प्रेसिडेंट्स है कोऑर्डिनेटर्स है पूरे मिलके अपना अपना जहाँ भी ताकत है लगातार हमारे जनता तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जनता से विनती करता हूँ इसका फायदा लें। और एक बात कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई बंडी संजय कुमार जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बंडी भाई ने कहा कि खेती रहा हमारा धम है तो रोशामेल से इलेक्शन लड़ो। अब आप सोचो वो स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे खेती रामाराव जी। मैं बंडी संजय से विनती करता हूँ तुम्हारे पार्टी का एमएलए इधर है ना ये बीजेपी का सीट तुम मानते ना तो आप आकर रोशामेल से पोटी करो। बंडी संजय जी आप में अगर दम है और आप रियल के अंदर धर्म की बात करते हैं और रोशामेल में काफ़ी हिंदू मुस्लिम के बहुत एक्टिविटीज़ तुम्हारे एमएलए द्वारा सस्पेंडेड एमएलए द्वारा तुम्हारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चल रहा है आप आइए रोशामेल विधानसभा क्षेत्र में आपको वेलकम है। आप यहाँ से इलेक्शन लड़िए बीजेपी के उम्मीदवार पे। मैं वादा करता हूँ अगर तुम रोशामेल से एमएलए जीत गया मैं भगवान कृष्ण कसम खा के बोलता हूँ मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा अपना व्यापार कर लूँगा तांबा पीतल बेच लूँगा या जमीना बेच लूँगा पर राजनीति का मुँह भी नहीं बताऊँगा अगर उन्होंने रोशामेल से एमएलए जीत गया तो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे छिछोरे लोगों को बात करने का भी तमीज़ नहीं है ऐसे लोगों को राष्ट्रीय महासचिव का पदवी देते लो ना एक इंटेलेक्चुअल होना एक समझदार होना एक महासचिव ऑल इंडिया रूलिंग गवर्नमेंट का महासचिव ऐसे बात करता क्या। आप खुद सोचिए प्रेस वाले भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ आप ही उसका आकलन करिए ऐसे लीडर को बोला ले जाकर दिल्ली में बिठा रहे क्या काम का वो आदमी जो बेहुदा बेवकूफ़ी बातें करता है। तीसरी बात एमएलए राजा सिंह के लिए कहा कि उसने धर्म की लड़ाई लड़ी अरे भाई कौन सी लड़ाई चालू हुई कहाँ पे लड़ाई चालू हुई
कहाँ पे जंग चालू हुआ, कहाँ मारपीट हुई, कहाँ तलवारें निकली, कहाँ पिस्तौल निकली, कौन सी लड़ाई लड़ रहे? ये हिंदू मुस्लिम की बात कर एक कॉमन पब्लिक में जहर फैला कर पूरे आपस में भाईचारे को बिगाड़ना, क्या उसे आप धर्म की लड़ाई कहते हो? ये धर्म की लड़ाई है? कौन सा धर्म का काम करा एमएलए यहाँ पर राजा सिंह? एक धर्म का काम बता दो मुझे। मुसलमानों को गाली देना धर्म का काम है? हरी किताब बोल के बोलना, मुल्ला गिल्ला टोपी वाले बोलना, ये धर्म का काम है? एक धर्म का काम बता दो मुझे। धूलपेड़ का मंदिर जो बना है वो चंदो से बना है, उसको छोड़ के पूरी गोशामल असेंबली सेगमेंट में एक मंदिर को, सिंगल टेम्पल को चुनना तरह सो फोटो बता दो, हम बंदी कर देंगे हमारी राजनीति। एक गरीब आदमी को कंधे पे हाथ रखकर मैं तेरे साथ हूँ, एक शादी के लिए 10,000 मदद करे, एक मकान गिरने से उसका घर बनाकर दिए, एक आदमी तो बता दो। ये धर्म की लड़ाई है? हिंदू मुस्लिम करना, डाली डलस करना, चाहे जिसको गद्दार बोलना। कल मैं वापस वीडियो कार में चलते चलते सुन लूँगा कुछ गद्दार आए। अरे गद्दार तो तुम हो, तुम समाज के गद्दार हो जो नफरत फैला रहे हो, जो डेवलपमेंट को स्टॉप रोक रहे हो। आज पूरा वर्ल्ड तेलंगाना की ओर देख रहा है। हैदराबाद शहर आज एक आईटी हब बन गया, कितने सॉफ्टवेयर कंपनियां यहाँ पर आ रही, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा, इससे कितनी जॉब्स मिल रही, कितने नौजवानों को नौकरियाँ मिल रही, इतने अच्छे वातावरण को ये लोग खराब करना चाह रहे हैं। हम जोरदार खंडन करते हैं। मंडी संजय जी, आप एक छिछोरे व्यक्ति हो ये मुझे 100% मालूम था, पर आप एक बेवकूफ़ हो आज ये भी मालूम पड़ा। केटी रामाराव जी, गोशामल में आके लड़ेंगे? अरे राम है उन्होंने, राम की हम सेना ही काफी है तेरे को, तो आके यहाँ से लड़। मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से गोशामल से बीफॉर्म लेना, इलेक्शन लड़ना। मैं 100% वादा करता हूँ, भगवान राम की शरण, कृष्ण की शरण, मैं जिंदगी में कोई भी राजनीतिक पार्टी में कभी पैर भी नहीं रखूंगा, साधारण जीवन जी लूंगा। कुछ भी कर लो, बंडी संजय, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, कोई भी आ जाओ इस बार गोशामल विधानसभा क्षेत्र से, बीआरएस पार्टी का झंडा 100% लहर रहा है। जनता को यहाँ तक है, जनता पूरी उब चुकी है, जनता परेशान है। वही ड्रेनेज की लाइना, वही पोल्यूशन का वाटर, वही छोटे मोटे सड़े नाले बह रहे हैं, वो खुदी हुई रोड़ा, इन सब से मुक्ति होना बोले तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार जीतना जरूरी है, और हम आने वाले दिनों में यहाँ से जरूर जीतेंगे।